स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल ऑल इन वन टेक्नोलॉजीज में। दोस्तों वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें जिससे कि हमारे आने वाले नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिलते रहें। तो दोस्तों मैं आज आपको बताने वाला हूँ कैसे आप एक फॉल्टी वायर को चेक कर सकते हैं कि आपके वायर फॉल्टी है, ख़राब है या फिर वो सही है। कभी भी ऐसा होता है कि घर में कुछ भी शॉर्ट सर्किट हो जाता है और हमें पता नहीं लग पाता कि कौन सा वायर शॉर्ट हुआ है, कैसे शॉर्ट हुआ है। तो उसके लिए कुछ आज एक ये वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ कि कैसे फॉल्टी वायर को चेक करेंगे। किसी भी फॉल्टी वायर को चेक करने के लिए आपको एक चाहिए होता है मल्टीमीटर। फ्रेंड्स देख रहे हैं आप, ये मल्टीमीटर है और इसमें ये एक पॉजिटिव पॉइंट होता है और एक नेगेटिव पॉइंट होता है अर्थिंग। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको दिख रहा होगा, मैं आपको बता देता हूँ कि मार्केट में जब आप जाएंगे किसी भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप पर ये आपको मल्टीमीटर मिल जाएगा, कुछ इस तरीके से मिलेगा आपको। तो आपको करना क्या है, आपको ये ब्लैक वाला वायर जो होता है अर्थिंग वाला, उसको इस वाले हॉल में सेट करना है। फीमेल कनेक्टर होता है ये, फीमेल कनेक्टर में इस मेल कनेक्टर को सेट कर देना होता है, ये इस तरीके से लग गया ऊपर से प्रेस करके, और रेड वाले को उसके ऊपर। देखिए दोस्तों सेट हो चुका है मल्टीमीटर हमारा, और अब मैं आपको बता दूं इस मल्टीमीटर में एक बटन होता है राउंड बटन, ये हमारा राउंड बटन है जो मूव करता है। आप मूव करा करें जो भी चीज़ आपको चेक करनी होती है उसके अकॉर्डिंग आप चेक कर सकते हैं। फिलहाल आज मैं आपको बताऊंगा कि एक वायर कैसे चेक करते हैं फॉल्टी वायर। सबसे पहले मीटर को ऑन कीजिए, मीटर को ऑन करने के बाद मीटर को बीप ऑप्शन पे सेट कर लीजिए। बीप ऑप्शन, ये ऑप्शन थोड़ा जूम करके तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वाला जो ऑप्शन होता है इसमें, ये बीप का ऑप्शन होता है। बीप का ऑप्शन मैं आपको बताता हूँ, बीप का ऑप्शन मतलब एक आवाज़ आती है जब मीटर का नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट एक साथ मिलता है तो एक बीप आता है, वो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। ये मीटर का नेगेटिव पॉइंट है ये वाला, और ये मीटर का पॉजिटिव पॉइंट है। अगर मैं दोनों को आपस में टच करता हूँ मीटर को बीप ऑप्शन पे सेट करने के बाद, तो एक बीप देता है, ये बीप देता है। उससे हमें पता लग जाता है कि हमारा जो भी कंपोनेंट हम चेक कर रहे हैं, जो भी हम कंपोनेंट चेक कर रहे हैं जस्ट लाइक अ वायर, तो वो वायर हमारा सही है या ख़राब है। अगर बीप आता है तो वायर हमारा सही है, और बीप नहीं आता है तो हमारे वायर में कहीं ना कहीं पर फॉल्ट है, तो उस फॉल्ट को हमें ढूंढना होगा इसी तरीके से। तो मैं आपको बता चुका हूँ, सबसे पहले आप इसको सेट कर लेंगे बीप पर। सेट करने के बाद अब जो भी वायर आपको चेक करना है उसका, ये देखिए एक वायर है, उसका क्या करना है आपको, उस वायर को दोनों तरफ से ओपन कर लेना है, राइट, ओपन कर लेना है। वो आपके ये वायर ओपन हो गया, ओपन होने के बाद क्या करना है आपको, एक पॉइंट पॉजिटिव निडल पर रखना है और दूसरा पॉइंट वायर का नेगेटिव निडल पर रखना है। नेगेटिव निडल पर आपने यहाँ टच किया, ये देखिए बीप आ रहा है, इसका मतलब हमारा वायर सही है, राइट। और इस वायर में अगर कहीं से भी अगर यहाँ पर फॉल्ट है या कहीं भी वायर में इधर फॉल्ट है, तो जो उसका एंड होगा, वायर का एंड होगा वो, और फर्स्ट एंड और लास्ट एंड दोनों चीज़ें, अगर दोनों एंड्स अगर आप मिलाते हैं मीटर के थ्रू, तो उससे क्या होगा, एक बीप आएगा, राइट। तो इसका मतलब वायर सही है, अगर बीप नहीं आता है तो आपके वायर में कहीं ना कहीं फॉल्ट है। मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ, देखिए बीप आ रहा है। ओके फ्रेंड्स,
और इस मीटर की कोई ज़्यादा कीमत नहीं होती है, मीटर आपको मार्केट में 100 120 रुपये तक का मिल जाएगा। आइए दोस्त, मल्टीमीटर के कुछ और भी बेनिफिट्स मैं आपको बता दूं कि मल्टीमीटर से आप क्या क्या चेक कर सकते हैं। आप चाहें तो अपने आप छोटे मोबाइल हैंडसेट्स यूज़ करते हैं उनका बैटरी भी आप चेक कर सकते हैं कि बैटरी पूरा डिस्चार्ज हो चुका है या अभी भी उसमें कुछ कैपेसिटी बाकी है, या फिर आपका बैटरी का कुछ प्रॉब्लम है। आप सपोज करें आपका हैंडसेट ओपन नहीं हो पा रहा होता है, ऑन नहीं हो पा रहा होता है, तो आपको ये नहीं पता लगता कि आपका हैंडसेट खराब है या फिर बैटरी खराब है। तो उसके लिए फ्रेंड्स हम लेते हैं एक हैंडसेट, वो मैं आपको देता हूँ अभी, दिखाता हूँ। ठीक है, ये हैंडसेट है, मैं इसको ऑन कर रहा हूँ लेकिन ये ऑन नहीं हो पा रहा है। तो इसके लिए क्या करेंगे फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर हम आपके पास मीटर मल्टीमीटर है हमारे पास, तो हम इसका बैटरी चेक कर सकते हैं कि क्या बैटरी में कैपेसिटी है कुछ, बैटरी या आप फुली डिस्चार्ज हो चुका है। कभी कभी ऐसा होता है कि बैटरी का ग्रेविटी गिर जाता है, तो ग्रेविटी गिरने के बाद क्या होता है, मोबाइल को कितना भी आप चार्जिंग पर लगा लें लेकिन बैटरी कभी चार्ज नहीं हो पाती है उसकी, तो उसके लिए आपको चेक करना होता है। जो नॉर्मल बैटरी का जो चार्ज बैटरी होती है उस और सही बैटरी होती है उसमें 3 पॉइंट समथिंग, आपके मीटर में 3 पॉइंट समथिंग, जैसे यहाँ पर 1 आ रहा है तो 3 पॉइंट समथिंग कुछ नंबर्स दिखाई देंगे, इसका मतलब आपके बैटरी में कैपेसिटी है, बैटरी सही है। तो उसके लिए अब क्या करना है आपको मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले अपने मोबाइल को बैक कवर को ओपन कीजिए, देन बैक कवर ओपन होने के बाद यहाँ से बैटरी निकाल लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, मैं बैटरी को निकाला, अब मैं चेक करूँगा बैटरी खराब है या सही है। तो उसके लिए मैं आपको बता दूं, बैटरी में भी एक नेगेटिव पॉइंट होता है और एक पॉजिटिव पॉइंट होता है बैटरी के अंदर भी। ये देखिए, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, और थोड़ा करीब से दिखा दूं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब यहाँ पर इश्यू है, अब मैं आपको ये दिखाता हूँ, ये पॉजिटिव है, इसका मतलब ये वाला, ये पॉइंट मेरा पॉजिटिव हो गया और ये पॉइंट मेरा नेगेटिव हो गया, और जो बीच वाला पॉइंट होता है ये अर्थिंग के लिए होता है, राइट? नेगेटिव पॉजिटिव एंड अर्थिंग, जिससे कि आपकी बैटरी में कुछ इशू ना आए, बैटरी कुछ प्रॉब्लम क्रिएट ना करे, इसे से ही बीच वाला मिडिल पॉइंट थियो होता है और आपका मोबाइल का जो अर्थिंग पॉइंट होता है ये उससे जुड़ा होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं वापस, मैं दिखाता हूँ आपको मल्टीमीटर से इसको चेक कैसे करना है। तो आप देख सकते हैं ये रहा मेरा मल्टीमीटर, थोड़ा सा कुछ ऊंचा सा ले लेता हूँ जो इसको थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। ओके, जो आपको दिखाए प्रॉपरली आपको शो हो जाए मल्टीमीटर में, राइट? अब मैं आपको दिखाता हूँ, देखो फ्रेंड्स, सॉरी, अब आप देख सकते हैं। सबसे पहले तो अगर आपको बैटरी चेक करनी है तो बैटरी चेक करने के लिए आपको मल्टीमीटर में अपने बटन को, जो मल्टीमीटर का बटन है, राउंडिंग बटन है, राउंड शेप बटन है, उसको 200 पर सेट करना होगा, सॉरी 20 पर सेट करना होगा, 20 वोल्ट। ओके, 20 वोल्ट, 20 आपको दिखाई दे रहा होगा, ये 20 वोल्ट, राइट? 20 वोल्ट पर इसको सेट करते हैं। ओके, 20 वोल्ट पर हमारा ये सेट हो चुका है, मल्टीमीटर को वापस रख देते हैं वहीं पर। ठीक है फ्रेंड्स, 20 पर हमारा सेट हो चुका है। अब आप अपने बैटरी लीजिए। सबसे पहले बैटरी का जो आपका मीटर का पॉजिटिव पॉइंट है, पॉजिटिव निडल है, वो बैटरी के पॉजिटिव पॉइंट पर लगाइए, राइट? और जो आपका निडल है वो बैटरी के नेगेटिव पॉइंट पर लगाइए, टच कीजिए। अब आप देख सकते हैं मैंने ये टच किया,
2.94 वोल्ट, इसमें तो बैटरी कैपेसिटी है 2.94 वोल्ट। अगर बैटरी आपकी फुली चार्ज होती है तो ये कुछ 3.94, 3.92, 3.46 लाइक डैट आपको दिखाई देता है, तो आप इसे बैटरी को भी चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने आज आपको ये कुछ चीज़ें बताई जो आपको आई होप पसंद आई होंगी।